इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा ठीक है? क्यों मोनालिसा की पेंटिंग आज भी इनकम्प्लीट है? और कैसे बस इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाएगा, वो भी बिना एक्सरसाइज किए? तो सब्सक्राइब बटन दबा कर जाना। फैक्ट नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया में ये कुत्ते फ्रॉग्स का नशा करते हैं। दरअसल कुछ कुत्ते केंटोड नाम के फ्रॉग को लीक करते हैं और इन फ्रॉग्स के स्किन पर मौजूद इस केमिकल से टूल हो जाते हैं। और इनमें से एक डॉग तो इतना नशेड़ी था कि वो बार बार इन फ्रॉग्स को लीक करता था। फैक्ट नंबर 14, अगर प्रेजेंट टाइम में आप कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, तो आप पिल्स लेना या फिर कोई और मेथड यूज करते हैं। लेकिन 4000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट की फीमेल्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्रोकोडाइल का डंक यूज करती थी, अब कहाँ लगाती थी ये मत पूछना। फैक्ट नंबर 13, ये स्कूल बस माउंटेन लायन के कारण लॉकडाउन में चला गया। दरअसल वॉशिंगटन के ग्रॉफ एलिमेंट्री स्कूल को बंद करना पड़ा क्योंकि आसपास एक खतरनाक माउंटेन लायन घूम रहा था। लेकिन बाद में पता चला ये कोई माउंटेन लायन नहीं, असल में एक बड़ी प्लम कैट थी जो चूहे को खा रही थी। फैक्ट नंबर 12, मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है ये अपने आप में स्पेशल है। इस पेंटिंग को विंसी ने 1503 से 1517 तक बनाया था, टोटल 15 सालों तक। लेकिन फिर भी आज तक ये पेंटिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि 1517 में विंसी का राइट हैंड पैरालिटिक हो गया था। फैक्ट नंबर 11, टैबलेट जो आपकी बॉडी को एक्सरसाइज देगी लेकिन बिना एक्सरसाइज किए। दरअसल SLUPP32 ये न्यू ड्रग पिल लेने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने स्ट्रॉन्गली एक्सरसाइज किया है ना, कमाल की बात। लेकिन फिलहाल के लिए ये ड्रग सिर्फ चूहों पर ट्राई किया है जो काफी सक्सेसफुल था। फैक्ट नंबर 10, हैंड सैनिटाइजर आपके ब्रेन पर असर कर सकते हैं। दरअसल हैंड सैनिटाइजर में मौजूद डिसइंफेक्टेंट्स हमारे ब्रेन के सपोर्टिव सेल्स को हार्म करते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम, इंटर ब्रेन और ऑर्गन फंक्शंस पर इंपैक्ट होता है। फैक्ट नंबर 9, लोग पिलो पर आराम से सो जाते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के इस आदमी ली को अपने बॉडी पिलो से ही प्यार हो गया। फिर इसने इस पिलो को एक वेडिंग ड्रेस से जोड़ा और उस पर एक फेमस एनिमे कैरेक्टर की पिक लगाई और इस पिलो से शादी कर ली। और ये बंदा इस पिलो से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि ये इसे हर जगह लेकर घूमता है। फैक्ट नंबर 8, जब आप हांगकांग में जाओगे तब आपको वहां पर रात में रोड्स के पेवमेंट्स पर ऐसी रेड लाइट्स दिखेंगी, कहीं इसका मतलब डेंजर सिग्नल तो नहीं? दरअसल इन रेड लाइट्स को देखकर लोगों का ध्यान अपने फोन से हट जाएगा और वो सेफली रोड को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए ये रेड लाइट्स लगाई गई है। फैक्ट नंबर 7, रेड बुल को असल में ट्रक ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था। दरअसल रेड बुल एनर्जी ड्रिंक को और एक ड्रिंक क्रेटिंग टैंक इस ड्रिंक से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ये क्रेटिंग ड्रिंक ट्रक ड्राइवर्स और फैक्ट्री वर्कर्स के बीच ज्यादा फेमस थी। फिर डायरेक्टर्स रेड बुल के ओनर ने क्रेटिंग ड्रिंक से इंस्पायर होकर रेड बुल को बनाया था। फैक्ट नंबर 6, रेड पांडा ऐसे खड़े हुए क्यों दिखते हैं? पर इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। दरअसल जब कोई रेड पांडास को थ्रेटन करता है तब वह ऐसे हाथ ऊपर करके अपने हिंड लेग्स पर खड़े हो जाते हैं ताकि प्रेडेटर्स को ये काफी बड़े दिखे, लेकिन इंसानों को ये क्यूट ही लगेंगे। फैक्ट नंबर 5, अब आप ये देखिए, आपको ये रियल नहीं लग रहा होगा पर ये आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलने वाला एक असली क्रिएचर है जिसे कहते हैं सी एंजल। और अब ये देखिए, ये दो ब्रेन सेल्स असल में एक दूसरे से चैट कर रही है, हाँ सच में बात कर रही है। फैक्ट नंबर 4, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब आपको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन में मून से अर्थ पर लौटे थे तब उन्हें भी ये इमिग्रेशन सर्टिफिकेट देनी पड़ी थी, ये उसकी एक कॉपी है। फैक्ट नंबर 3, अब आप ये देखिए, जब आप वॉशिंग मशीन के अंदर ईट को फेंकोगे तब वो वॉशिंग मशीन टूट फूट कर खराब हो जाएगी। और अब ये देखिए, रात में समुन्द्र के बीचों बीच एक ऑयल रिज पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, अब आप ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट से कहा एग्जाम में उन्हें एंटी चीटिंग हेलमेट्स पहननी है और फिर बच्चों ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर देखिए, सभी बच्चे ऐसे ऐसे टाइप के हेलमेट्स पहन कर आए थे और अब इसे देखिए, ये तो चेनसॉ ही पहन कर आ गया। फैक्ट नंबर 1, आपने जोलो चिप चैलेंज तो किया ही होगा, लेकिन जोलो चिप या फिर ये पैकु चिप्स, इन दोनों में से कौन से चिप्स ज्यादा तीखे है? तो जोलो चिप्स तो बहुत ही ज्यादा तीखे है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये पैकु चिप्स भी बहुत ज्यादा स्पाइसी है। इसे खाने पर एक मिनट बाद आपके मुंह में आग चलने जैसी फीलिंग आएगी।